थी, उसकी विदाई थी आज, तो विदाई के क्रम में ही वो लोग जा रहे थे, गोपालगंज जा रहे थे। इसी क्रम में दो आपराधिक तत्व बाइक सवार जो थे वो आए और गोली चलाए उनपे। बताया जा रहा है कि दूल्हे की गाड़ी जो जा रही थी विदाई करके, लड़की घर से ही तलौंदा थाना इलाके के उजाए गांव के जो लड़की का बारात आया हुआ था, उसी बारात की विदा होकर जैसे ही गाड़ी रेलवे ढाला के सही पहुंची, जहां पे विक्षोभ अपराधियों ने दूल्हे की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें दूल्हे के दोस्त जो बैठे हुए थे, जिनका नाम सूरज गोस्वामी बताया जा रहा है, जो छपरा के अमनौर के रहने वाले हैं, उन्हीं के हाथ में गोली लगी हुई है। हालांकि उनका इलाज अभी सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही महाराजगंज जो SDPO हैं राकेश कुमार रंजन दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार मामला क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि जिनके साथ घटना घटी हुई है, जिन परिवार के साथ घटना घटी हुई है, उनके परिवार के एक सदस्य लड़की के भाई के साथ घटना घटी थी, तीन रोज पहले लगी हुई थी, उनके मुंह में गोली लगी हुई थी। हालांकि उनका इलाज अभी पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन फिर दोबारा एक बार फिर घटना घट गई है और लगातार इस अपराधी लगातार अपना तांडव दिखा रहे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है, इस संदर्भ में बात करेंगे। आखिरकार मामला जो है आखिरकार रोजाना कहीं ना कहीं घटना घट रही है, इस पर आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर हम महाराज SDPO से बातचीत करेंगे। लेकिन चलते हैं SDPO साहब के पास, उनके द्वारा क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, आइए आपको सीधा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ महाराजगंज के SDPO राकेश कुमार रंजन सर मौजूद हैं। सर, सुबह में घटना घटी हुई थी, सर घटनास्थल पहुंचे हुए, सर क्या कुछ मामला है? आज करीब 5:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ढाले पे जो दरौंदा और महाराजगंज के बीच में है, यहाँ पे गोलीबारी की सूचना मिली। वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे फायरिंग हुआ। कुछ दिन पूर्व में एक घटना घटी थी यहीं पे, अंशु को जो गोली लगा था। जी, अंशु को गोली लगी थी। अच्छा, अंशु के मामले में उनके परिजन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें दो अज्ञात और एक नामजद। सर उसमें क्या कार्रवाई हो गया? उसमें नामजद जो है वो प्रेशर में आकर सरेंडर किए हैं कल, तब इसको सरेंडर कर दिया है। जी, आदित्य। अच्छा, आज घटना घटी हुई सर, उसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई सर शुरू कर दिया गया? बिल्कुल, हम लोग उस दिन से ही कार्रवाई पे लगे हुए हैं, कुछ क्लूज हमारे सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो मेरे साथ महाराजगंज के SDPO राकेश कुमार रंजन थे, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि कल इसके पहले जो घटना घटी हुई थी, जिसमें अंशु को गोली लगी हुई थी, उसमें एक नामजद आरोपी था, पुलिस के दबिश के बाद सरेंडर कर दिया है। वहीं आज जो अहले सुबह घटना घटी हुई है, जिसमें पुलिस जो है घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, जल्द इस मामले को भी खुलासा कर दिया जाएगा। अब देखना है इस मामले में पुलिस जो है कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक इस घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ पाती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।